सर आप 80,000 वोट से भी आगे है अभी, क्या प्रतिक्रिया है आपका? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब अच्छा है, सब आप लोग की वजह से, सब यहाँ की जनता की वजह से, और यहाँ हमारे तृणमूल कांग्रेस और सबसे ज्यादा ममता जी के नेतृत्व की वजह से है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मुझे आदेश दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, पहली बार भी और दूसरी बार भी मैंने कहा था योर विश इज माई कमांड, और उसके बाद आके मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरा हूँ फिर से, इसलिए मैं आसनसोल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राज्य में जिस तरह से रिजल्ट हुए सर, उसको ले क्या कहेंगे जी? राज्य में जिस तरह से तृणमूल की जीत हुई है, मैं शुरू से कह रहा था, अगर आप लोगों ने मेरा पुराना देखा और मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि ममता जी चाहे जो 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 भी कह रहे हैं कहने दो उन लोगों को, जो मोदी मीडिया के लोग हैं, जो मोदी मीडिया के लोग हैं, जो प्रचार तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने बातें की और सारे के सारे करीब करीब जितने एग्जिट पोल्स हैं सब गलत नहीं निकले, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सब झूठे साबित हुए, सब लगता है जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी धन शक्ति के दुरुपयोग की वजह से सबों ने एक ही भाषा बोली, एक ही बयान दिया और सब के सब करीब करीब झूठे साबित हुए। मैं शुरू से कहता था कि ममता बनर्जी के व्यक्तित्व का जादू सर चढ़ के बोलता है, उनका नेतृत्व है, उनके जो उनका सपोर्ट बेस है, जो लोग ममता जी को और ख़ासकर यहाँ की महिलाओं में जितनी उनकी पकड़ है, जितनी उनकी फॉलोइंग है, देश में किसी नेता की कहीं नहीं होगी जो ममता जी की है, और उसके आधार पर मैंने शुरू से कहा और आज तक कह रहा हूँ, आपके चैनल को लिखा है कि ममता जी बंगाल में स्वीप करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे वो कह रहे थे कि 30-32 सीटें लेकर आएंगे बंगाल में, 30-32 से ज़्यादा और स्वीप कर रही हैं, और उससे भी बहुत कम, शायद सिंगल डिजिट भी मुश्किल से ही कम क्रॉस कर पाए, मुझे लगता है सिंगल डिजिट भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगी। इनकी कहने और कथनी में बहुत आसमान जमीन का फर्क है, इस बार दिखाई पड़ गया। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन यूनाइटेड ऑपोजिशन जमकर सामने आएगी, और ममता बनर्जी इस बार चुनाव के बाद, जैसा मानता रहा हूँ कहता रहा हूँ कि एक गेम चेंजर बनकर उभर कर आएगी, और वो वक्त आ गया है। थैंक यू सर। आप 80,000 वोट से भी आगे हैं अभी, क्या प्रतिक्रिया है आपका? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब अच्छा है, सब आप लोग की वजह से, सब यहाँ की जनता की वजह से, और यहाँ हमारे तृणमूल कांग्रेस और सबसे ज़्यादा ममता जी के नेतृत्व की वजह से है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मुझे आदेश दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, पहली बार भी और दूसरी बार भी मैंने कहा था योर विश इज माई कमांड, और उसके बाद आके मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा हूँ फिर से, इसलिए मैं आसनसोल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राज्य में जिस तरह से रिजल्ट हुए सर, उसको ले क्या कहेंगे जी? राज्य में जिस तरह से तृणमूल की जीत हुई है, मैं शुरू से कह रहा था, अगर आप लोगों ने मेरा पुराना देखा और मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि ममता जी चाहे जो 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 भी कह रहे हैं कहने दो उन लोगों को, जो मोदी मीडिया के लोग हैं, जो मोदी मीडिया के लोग हैं, जो प्रचार तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने बातें की और सारे के सारे करीब करीब जितने एग्जिट पोल्स हैं सब गलत नहीं निकले, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सब झूठे साबित हुए, सब लगता है जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी धन शक्ति के दुरुपयोग की वजह से सबों ने एक ही भाषा बोली, एक ही बयान दिया, और सब के सब करीब करीब झूठे साबित हुए। मैं शुरू से कहता था कि ममता बनर्जी के व्यक्तित्व का जादू सर चढ़ के बोलता है, उनका नेतृत्व है, उनके जो उनका सपोर्ट बेस है, जो लोग ममता जी को और ख़ासकर यहाँ की महिलाओं में जितनी उनकी पकड़ है, जितनी उनकी फॉलोइंग है, देश में किसी नेता की कहीं नहीं होगी जो ममता जी की है, और उसके आधार पर मैंने शुरू से कहा और आज तक कह रहा हूँ, आपके चैनल को लिखा है कि ममता जी बंगाल में स्वीप करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे वो कह रहे थे कि 30-32 सीटें लेकर आएंगे बंगाल में, 30-32 से ज़्यादा आ रही हैं और स्वीप कर रही हैं, और उससे भी बहुत कम,
शायद सिंगल डिजिट भी मुश्किल से ही कम क्रॉस कर पाए, मुझे लगता है सिंगल डिजिट भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगी। इनकी कहने और कहने में बहुत आसमान जमीन का फर्क है, इस बार दिखाई पड़ गया। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन यूनाइटेड पोजिशन जमकर सामने आएगी और ममता बनर्जी इस बार चुनाव के बाद, जैसा मानता रहा हूँ कहता रहा हूँ कि एक गेम चेंजर बनकर उभर कर आएगी और वो वक्त आ गया है। थैंक यू।